उत्तराखंड के नैनीताल में इन दिनों नंदा देवी महोत्सव की धूम है। मां नंदा सुनंदा कुमाऊं की अधिष्ठात्री देवी है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इस महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। नैनीताल में कदली के वृक्ष से मां की मूर्ति का निर्माण किया जाता है और नंदाष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मां की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाता है। वहीं शाम के समय मां की खास आरती उतारी जाती है, जिसे पंच आरती कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस आरती में प्रकृति के पांच तत्वों से मां की नजर उतारी जाती है। महोत्सव की आयोजक संस्था श्री राम सेवक सभा के पदाधिकारी डॉक्टर ललित तिवारी बताते हैं कि हम आरती की बात करते हैं तो आरती जो है वो जलती लौ से घी या तेल में जो है उसको भिगाकर किया जाता है, उससे भिगाकर भगवान की आराधना की जाती है। तो पांच तत्वों से जो आरती की जाती है वो दिव्यता की प्रतीक है कि हमको दिव्य भगवान के दर्शन मिले, उनका आशीर्वाद मिले। इसमें पृथ्वी, जल, पानी, तेल, प्रकाश, वायु, आकाश और अंतरिक्ष भी शामिल है। तो पांच तत्व ये लिए जाते हैं और प्रभु की आराधना इससे की जाती है। और आरती की, जब हम आरती की उत्पत्ति की बात करते हैं तो आरती जो है वो यज्ञ से उत्पन्न हुई और धार्मिक अनुष्ठानों से उत्पन्न हुई मानी जाती है। और पंच आरती का जो महत्व है वो सूर्यास्त के बाद पंच आरती की जाती है, इसीलिए माँ नंदा सुनंदा की आरती ठीक 6:30 बजे की जाती है, जब सूर्यास्त हो जाता है। और इसमें जल, वायु, अग्नि, पुष्प और कपड़ा इसमें शामिल किया जाता है। जब हमारे पंडित जी इस पूरे पंच आरती को करते हैं तो पंच आरती एक सामूहिक रूप से आरती की जाती है और इसके साथ की जो हमने गलतियाँ की हैं उसके लिए माफ़ी माँ नंदा सुनंदा हमें दे और अपना आशीर्वाद इस प्रकृति के रूप में, इस जीवन की धारा के अनवरत रूप में हम सबके ऊपर बनाए रखें। पहला जो जो आरती का जो बेसिक कहूँगा कि बेसिक कंसेप्ट है वो अपनी अपना जो हमारा अपराध बोध है, जो हमने गलतियाँ की हैं उसके निराकरण के लिए आरती की जाती है। लेकिन भगवान, क्योंकि उनका दिव्य रूप होता है और दिव्यता के साथ साथ उनमें असीम शक्तियाँ भी हैं तो उनको नजर ना लग जाए, इसके लिए भी आरती की जाती है ताकि जो उसमें से काला जो रंग निकलता है वो भगवान की नज़र को निकालने का काम करता है और इसीलिए बच्चों को काला टीका भी लगाया जाता है। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।